कर जाइए। ना भैया मैम, मैम यहाँ पे सादा हुआ। चाहिए लेकिन कुछ लोग नए आए हैं, क्या कर सकते हैं सर, आप ही दयालु हैं। सर राइट सर, आप सबसे फेवरेट हैं पूरी इंडस्ट्री के। सर थैंक यू। सर यहाँ पे सर रिश्ते निभाना था आपसे सीखे। थैंक यू सर राइट। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। थैंक यू। वेट मैम, सामने वाइट करना। मैम वेट है, मैम वेट लेफ्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। मैं ना प्लीज हम सक्सेस पार्टी बनाएंगे। बाय अमीन। अरे इंशाल्लाह तो बोलो अमीन। पहले लाइट को कौन गाड़ी है भाई, दो सीटर ला। आप अंदर आइए, अंदर आइए, रोड पे अच्छी बात नहीं है। अंदर 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 सामने। चलो बाइट करते भाई। सबसे पहले आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है। हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म आई रियली फील प्राउड एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। ओके, आप भी फिल्म में हैं, कैसा एक्सपीरियंस था, इसके बारे में कुछ बताइए। It was a fantastic experience, but then it was very thrilling, you know. Aisa lagta hai ki you have gone back to the time machine and then you have traveled that era of Rani Lakshmibai, jiske baare mein hum bachpan se padhte aa rahe hain, sunte aa rahe hain. Aisa and you know, like historical film mein sab ab itne zyada apne kirdaar mein hote hain. Aisa lagta hai ki you know you have just gone back to that era and it's very thrilling actually. Okay, kirdaar ke baare mein agar baat kare, kis tarah ke kirdaar mein nazar aayenge aap? Okay, I play Kashibai. Kashibai was the emotional anchor for Rani Lakshmibai. She was a sister, she was a best friend, she was like that, you know. And Lakshmibai could trust her with her life. She was also a soldier in the army. Yeah. नीता लूला जी के साथ हमेशा इट हैज़ बीन अ बेस्ट एक्सपीरियंस। मेरी जो पहली फिल्म थी कांची, उसमें भी नीता लूला जी ने कॉस्ट्यूम किया था, तो मेरे साथ उनके संबंध बहुत सालों पुराने हैं, जब से मैं बॉलीवुड में आई हूँ तब से है। सो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, यू नो, लाइक सींग द फर्स्ट डे वन आई वेंट टू द सेट्स एंड आई सॉ हर, आई वॉज लाइक ओके सो इट्स सॉर्टेड, इट्स लाइक दैट। मैरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एनी डिमांड फ्रॉम द सेंटर? डिमांड फ्रॉम द सेंटर मतलब? अच्छा, सैंटा से डिमांड। हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए, फिलहाल तो मैं यही डिमांड करूँगी। ओके, जब बात करें हम क्रिसमस की, तो कितनी मेमोरीज जो है वो बचपन की ताज़ा हो जाती है क्रिसमस की बात करें। मेरा तो बचपन अभी गया ही नहीं, अभी भी आई कीप सॉक्स, आई एक्सपेक्ट सम गिफ्ट टू बी देयर एंड कोई ना कोई सॉक्स फिल भी कर देते हैं। Probably you have been away from the so
सॉरी मैडम, हिंदी यूनिवर्सिटी, बट योर एड कंटिन्यूज टू बी ऑन द टीवी एंड एवरीवेयर ना. या इट्स बीन 3 इयर्स नाउ आई एम द ब्रांड फेस फॉर वीको. या Any more endorsements which you have? I have lot of endorsements down south. यहाँ पे probably I'll sign few very soon. Zero देखी है अभी तक? नहीं देखी actually. I was shooting, I wasn't here. Yeah. Any movie apart from yours which you are looking forward? फिलहाल तो मुझे सबसे पहले जाके ज़ीरो देखना है एंड देन मोर और लेस जो भी मूवी रिलीज होती है मैं ऑलमोस्ट सब देखती हूँ. इट्स लाइक दैट. सिम्बा I'll see it, yeah. Once I get time. काफ़ी सारी मूवीज लाइन में है, कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं मणिकर्णिका के लिए हूँ. द कांट बी अनदर मूवी इस मौके पे. किसी और मूवी के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते. इट्स ओनली मणिकर्णिका. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सामने One more. Yeah. Thank you. Thank you. Just stay here. Sir, यहाँ पे. Kamal sir, right. Sir, यहाँ पे. ये center ना? हो जाएगा तो बोल देना भाई. Kamal sir, one second hold please. Sir, यहाँ पे hold कीजिए ना. Thank you so much, sir. Thank you so much. चलो रेडी करो. ओके सर, सबसे पहले तो आज क्रिसमस पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिसमस वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग एज अ टीम मणिकर्णिका, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फिल्म एंड इट इज इन टू पोस्ट प्रोडक्शन राइट नाउ एंड वी आर रेडी टू रिलीज द फिल्म नेक्स्ट मंथ, जस्ट वन मंथ फ्रॉम नाउ, दैट इज 30 डेज फ्रॉम नाउ. And we already have released the trailer and which has been very, very successful. I think it's been accepted quite well all across and we're very happy with the response, kind of response we're getting for the trailer as of now. It's extraordinary, about 95% positive response on the trailer, you know, it's more than 22 million views already and all that. So we're very happy with the performance of the trailer and we're looking forward to release the film in 30 days. Okay, so it's a special Christmas bash today for Manikarnika. So what all things are you expecting inside? Like, how much fun are you going to? See, a lot of hard work for the last few years. Basically, we started the film last year, somewhere around April, you know. And so we now completed the film. So all you can see, the people are enjoying inside because it's all hard work is basically something which has been paid off. And it's basically happiness all around. And this is a special Christmas for us, as I said. Okay, thank you. We'll just put this little bit ahead. Ye ne isko thoda so firstly merry christmas to you, merry christmas to all of you. Okay, so it's a special christmas dash you have told for specially Manikarnika team. So what all things you have planned inside and what is like special things we would like to know? I think it's just a celebration. It's a celebration of every cast and every crew that's on the film, and it's something that I wanted to, as a technician, put forward to the entire cast and crew, because I'm really happy to be part of this film and I'm really happy with the kind of interaction we've had with the entire cast crew, and it has been a beautiful journey. So to commemorate this beautiful journey, we've had this part. Not that I can think of. It's been beautiful. It's been fun, and I would say it's been a beautiful challenge to be able to project Manikarnika as Kangana as Manikarnika and Manikarnika as this fierce, this feisty, this warrior, and yet a woman at heart, yet someone with a heart of a baby's innocence. Was a beautiful challenge to work with, to be able to project Kangana as someone who is very
spontaneous, you know, in as a child and then as a young girl and then going into becoming this woman who knows her responsibilities, who not only respects the culture and boundaries that her family has for her, and this mother who goes against all odds to save her child, and this mother of the nation who goes ahead to save her country. I think this was a beautiful journey of Manikarnika that is being showcased in the film, and it was a beautiful challenge, like I call it, to be able to design every aspect of this character and the various other characters that support the entire film. Okay. What are the details you went into, you know, while working on the project? Are you taking some references? We've had a lot of references. There are a lot of pictorial references, but we've not, I would very honestly say, I've not adhered to completely into the pictorial references, because we're talking of an era which is in 1800 and mid-1800, and to be able to get the right kind of pictures and to be able to get the right kind of look, there have been books where you read about her character, you read about her attributes to the woman she was, and where you get a lot of reading into various other characters in the film. So putting and summing all of that together, and summing whatever little pictorial references that you have from museums, I've kind of put the whole look together. But she was not just a queen, and she was a warrior even, like, it's a, yes, she was. Of, thing. How was it, you know, working on that thing? I've played around with textures, I've played around with the cut of her and the colors of her clothes to be able to create this amalgamation of this fiercely feisty warrior and this woman at heart, this mother who at one point is helpless, and at the other point she is all there like a tigress to protect her country. So it's only been with a play of textures and colors that I've been able to do this. Bite करेंगे ना? हाँ लीजिए सर, लीजिए सर, लीजिए. Thank you. Merry Christmas to you, first of all. Happy Merry Christmas. Merry Christmas. This is absolutely a different event, I would say. Yes, yes. Yes, of course. I guess Manikarnika
is all about costume. It's a costume drama because history ke kapde jo hamare jo banaye hain Neeta ma'am ne, they are fabulous. I mean, she is Neeta Lulla, of course. Everybody knows her, but you know the way she has designed the whole, har kisi ke character ke hisab se jo kapde bane hain, it is fantastic. And she's superb. I don't need to say anything about her. I'm too. You know, I have seen her work and she's just fabulous. मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे मणिकर्णिका पता था मैं कर रही हूँ, मुझे झलकर ही पता था. जब मैं नीता मैम से मिली, शी गेव मी सच अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी. मतलब जो दलित लोगों पर उन्होंने इतने इस कैरेक्टर पर इतना रिसर्च किया था, तो मुझे कुछ करने की जरूरत. मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जो मैम ज्वेलरी, इतने सारी चीज़ें जो मैंने पहनी, आपने मेरे गेटअप में भी देखा होगा लुक में, चाहे मैं पूरे कान में पूरे उन्होंने पहनाया है सर पर. सो आई थिंक शी इज़ जस्ट फैबुलस. शी नोज़ हर जॉब सो वेल. और हम तो बच्चे हैं उनके सामने, तो आई जस्ट ब्लाइंडली यू नो ट्रस्टेड हर. एंड मैं अच्छी लग रही हूँ, आई थिंक मैं अच्छी. जी आई जस्ट फेल्ट कि मैं झलकरी बन गई हूँ. यू नो, जब आप किसी कैरेक्टर में जाते हो तो कॉस्ट्यूम बहुत मायने रखते हैं. कॉस्ट्यूम इज लाइक एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके एक्टर का, कैरेक्टर का. तो जब मैं उस गेटअप में आई, जब नीता मैम ने मुझे सारी चीज़ें दी, मेरा फर्स्ट शॉट था, आई स्टिल रिमेम्बर. एंड आई वाज लाइक यू नो, मैं घुस चुकी थी फिर कैरेक्टर में. मुझे कुछ करने की जरूरत ही पड़ी क्योंकि कॉस्ट्यूम ही इतना अच्छा था. लाइक कॉस्ट्यूम अच्छा क्या, मतलब उन्होंने कैरेक्टर के हिसाब से हर चीज़ परफेक्ट ली थी. आई डोंट नो यार, अभी ऐसे मतलब बस अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए. एंड आई थिंक द प्रोमो इज रियली सुपर्ब. मतलब जिस तरीके से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रोमो का, इट्स ऑसम, इट्स ऑसम. तो मुझे ऐसा लगता है फिल्म आनी बाकी है, तो अब देखते हैं उसका क्या होता है. मेरी क्रिसमस. ऑसम. कैसी लग रही हूँ मैं? बोलो. सांस लेने में एक बार सोचना पड़ा भाई. मुझे लगा ही आप यहाँ हो तो आपके साथ बोलो. अंकिता, आई थिंक क्रिसमस, मैं जीसस क्राइस्ट को बहुत मानती हूँ. आई लव क्राइस्ट एंड आई जस्ट लव क्राइस्ट. मैं क्राइस्ट की फ़ैन हूँ बेसिकली, जीसस क्राइस्ट की. सो बट डोंट नो मेमरीज क्योंकि मैं मराठी फैमिली में बड़ी हुई हूँ, तो मैंने कभी ऐसे कोई बनाया, मतलब यू नो सेलिब्रेट नहीं किया. बट एक ये बॉम्बे का कल्चर, यू नो सब ये सारी चीज़ें होना, क्राइस्ट का बर्थ दिखाना, सो आई वेरी फैसिनेटेड टूवर्ड्स एवरीथिंग. हम लोगों ने यहाँ कैसे पार्टी की है, यू नो क्रिसमस पार्टी. सो आई गेस मैं जब भी यहाँ बांद्रा में आती हूँ, आई गो टू माउंट मेरी चर रेगुलरली. इट्स लाइक संडे टू संडे आई गो टू माउंट मेरी चर. पर एक यहाँ पर एक चीज़ होती है जहाँ पे सारा क्राइस्ट का बर्थ दिखाना. सो मैंने कभी उसको सेलिब्रेट नहीं किया, बट येस नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो मैं क्राइस्ट का जैसे बर्थ दिखाते हैं, आई वुड लव टू डू दैट. सेंटा क्लॉज से क्या मांगना चाहेंगे? हाँ, बस मैं यही मांगना चाहूँगी कि सब हेल्दी रहे, खुश रहे. और हमारी मणिकर्णिका जल्द से जल्द चल जाए, मतलब सुपर हिट होनी चाहिए बस. ये एक्साइटमेंट कितना है? वो तो बहुत है, अब एक महीना बचा है. लाइक अगली 25th को आई गेस हम लोगों की फिल्म रिलीज हो चुकी होगी. एंड इट्स आई एम नर्वस ऑल्सो बिकॉज ऑफकोर्स माई डेब्यू फिल्म, सो आई एम रियली नर्वस एंड एक्साइटेड टू. सो आई एम रियली होपिंग कि फैंस, जितने भी लोग हमारी फिल्म देखे, उनको यू नो मैं अपना एक मार्क छोड़ कर जाऊँ, बस दिस इज व्हाट आई फील, दैट्स इट.
रोलिंग मैरी क्रिसमस टू एवरीवन बिकॉज हमारी जो डिज़ाइनर है नीता जी इन्होंने हमारी टीम मणिकर्णिका के लिए बैश होस्ट किया है सो यू नो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी सेलिब्रेटिंग विद द टीम एंड फैमिली के साथ तो सभी करते ही हैं बट वेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद द टीम मोर देन टू ईयर्स देन यू बिकम अ फैमिली तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हम सब क्रिसमस के ही बहाने से ही लेकिन वी कैन इन्जॉय सम टाइम क्योंकि हम लोग हमेशा ही इतना स्ट्रेस में मिलते हैं वी डोंट गेट टू सॉर्ट ऑफ यू नो इन्जॉय इन दैट कैपेसिटी What I have to say about her, how was the experience working and like, how much input also was there from your side? She spoke like Kangana ne bhi bahut मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई भी कॉस्ट्यूम को लेके इनपुट दिया हो आई वॉज सो बिजी डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स एंड दैट्स द थिंग विद यू नो व्हेन अ डिपार्टमेंट कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ यू नो ओन्स वन डिपार्टमेंट व्हेन एन आर्टिस्ट लाइक नीता जी इट इज सच अ बिग रिलीफ फॉर एन एक्टर फॉर अ डायरेक्टर आई थिंक दैट्स मोस्ट ग्रेटिफाइंग आस्पेक्ट कि नीता जी जो है रातों रात 200 लोगों के कॉस्ट्यूम्स भी चाहे वो है ना एंड अभी 200 लोगों के कॉस्ट्यूम भी इन वन नाइट शील मेक आई डोंट नो हाउ शी डज इट एंड जो भी हम लोगों को फीडबैक आ रहा है कॉस्ट्यूम्स को लेके कि नथिंग इज़ जारिंग कॉस्ट्यूम्स आर एब्सोल्युटली पीरियड अप्रोप्रिएट सो वो जो उस तरह का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इट्स अ बिग डील क्योंकि खूबसूरत कॉस्ट्यूम तो आप कई डिज़ाइनर बना लेते हैं मगर पीरियड अप्रोप्रिएट उसको रखते हुए उसमें कैरेक्टर डालना इसके लिए एक अलग यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि नीता मैम इज़ सो गुड विद दैट आप ऐड करना चाहोगे कुछ अबाउट कंगनास सेंसिबिलिटीज एंड यू कोलैबोरेटिंग विद हर मतलब हम लोग माशाल्लाह जानते हैं कि इनका दिमाग कितना शार्प है आप बताएं कि इतनी शार्पनेस आपने क्या कितनी जरूरत पड़ी इनका जो है आई थिंक इट्स मोर द इंस्पिरेशन एंड कंगना वॉज एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन फॉर मी टू डू दिस कैरेक्टर आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स वुड हैव बीन एबल टू कैरी ऑफ ऑन द शोल्डर्स सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच अ बिग पर्सनैलिटी फ्रॉम हिस्ट्री एंड आई थिंक शी हरसेल्फ इज द पावर दैट शी एग्जूड्स एंड शी इज़ लाइक झांसी की रानी इन बींग फियर्स नोइंग हर माइंड एंड बींग एबल टू project it so aptly. I think ek bar hamari discussion hui thi kapdon ko leke but that was when she called me and she said Nita ji aap Ankita ko kya de rahi hain for the song? I was like Kangana what about your dress? She's saying wo to hota rahega but I need as Ankita's song is a very important part of the film how is that going to look? What are you going to give her? And I was a little shocked. I said puri picture mein Kangana hasn't discussed the look with me and it comes to Ankita she is and I think that is her that is the way she takes her responsibility and to be able to design for someone who is so on the ball with what she is doing and she knows how to carry it I think you can design for actors but then if the actor cannot carry off the clothes it doesn't work it doesn't help Kangana okay, Kangana is film mein jhansi ki rani ka bani ho real life mein bhi ho agar hamari Bollywood industry mein kuch cheeze aap agar kuch change karna chaho you know like aisi kaun si cheez rahegi jo really think that you know anything whatever you feel I think technicians don't get enough credit एक्टर्स सारा उनको बहुत ज़्यादा आई थिंक उनको चाहे फाइनेंशियली देखो या उनका रिम्यूनरेशन का जो भी प्रोपोर्शन है बहुत ही डिसप्रोपोर्शन है और स्पेशली मेल एक्टर्स जो कि 60% ऑफ द बजट जो है वो चार्ज करते हैं समटाइम्स इवन 80% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म मेल एक्टर चार्जेस और एंड टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ रिस्पेक्ट यू नो द वे यूनिट में दो तरह के खाने आते हैं एक यूनिट बी के लिए एक यूनिट ए के लिए जो कि अपने आप में ही बहुत ही अपसर्ड चीज़ है जब एक यूनिट में काम कर रहे हैं तो दो तरह का खाना क्यों आता है उस तरह से कई चीज़ें हैं आई थिंक इंश्योरेंस फॉर पीपल हु आर वर्किंग 40-40 फीट पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं खड़े रह के उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इंश्योरेंस कोई नहीं होती सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी वर्कड ऑन एंड आई होप इन द फ्यूचर वी विल बी वर्किंग ऑन इट ओके कंगना और ट्रेलर के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बढ़ गई है कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर मतलब फिल्म के रिलीज डेट के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है और वी जस्ट कैन नॉट वेट टू प्रेजेंट द फिल्म टू एवरीवन सो एब्सोल्युटली एक्साइटेड नहीं नहीं और एक मतलब कंगना लोग क्या कह रहे हैं कि इस ट्रेलर
ट्रेलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और इंडस्ट्री वाले भी डर गए कि भाई अब भैया ने ये सारी जगह ले ली है और मतलब ऐसा लग रहा है कि भूचाल सा जाना बहुत ही, अगर ये फिल्म बहुत अच्छी निकल गई ना सबके मुंह बंद हो जाएंगे जो जो कभी लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि जो लोग कुछ भी कहते हैं लुक सो आई थिंक उनके जो लोग अच्छी बात नहीं कर रहे हैं उनके मुंह तो बंद ही होने चाहिए राइट जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं उनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता आई दिस इज व्हाट आई फील एंड बट द क्वालिटी एंड द इंपैक्ट ऑफ द ट्रेलर जेन्युइनली इज वेरी इफेक्टिव वेल दैट्स द टीम वर्क आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग था लेकिन मुझे लगा कि यू नो एज अ वोमन आई कुड डू जस्टिस एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर सो यही शायद भगवान की भी मर्जी थी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्लेइंग बोथ द रोल के बाद लगता है कि लाइक यू हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इज देयर बट अगली फिल्म के लिए यू हैव गिवन अ थॉट मे बी शायद नहीं राइटर्स तो बहुत अच्छे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर विजेंद्र प्रसाद इज राइटिंग माय नेक्स्ट फिल्म या सो मिस्टर विजेंद्र प्रसाद इज राइटिंग माय नेक्स्ट फिल्म आल्सो सो वी आर इन टॉक्स विद हिम ओके कंगना एज अ डायरेक्टर व्हाट फिल्म इट वुड बी अभी वो इतना समथिंग दैट आई वुड लव स्टोरी या क्या क्या होगा इट्स अ लव स्टोरी बट नॉट विद अ ह्यूमन थैंक यू दिस इज द लास्ट हाउस जब हम बात करते हैं ट्रेलर की बात करते हैं जितना भी ये मणि का जी का है बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है मैं कॉस्ट्यूम की बात करता हूं कॉस्ट्यूम ड्रामा जब आपने पहली बार कॉस्ट्यूम पहना जब ट्रेलर देखते हैं यू गेट बूम क्या आपको क्या फीलिंग आई जब मणि का जी का डिजाइन कर रहा कॉस्ट्यूम आपको मुझे बहुत ही एक ओवरवेलमिंग फीलिंग थी जैसे नीताजी ने मुझे जो नववरी जो रहती है जो रानी लक्ष्मीबाई बिकॉज सी आई एम अ पहाड़ी तो मुझे इतना मैंने कभी नववरी पहले पहनी नहीं है और वो जो एक नथ रहता है लेकिन मैंने फ़ोटोज़ देखे थे बचपन में रानी लक्ष्मीबाई के तो उनका इतने पढ़ाई कर करके उसके बारे में स्क्रिप्ट में और कैरेक्टर पर जब जिस दिन मैं तैयार हुई और वो उस तरह के बाल बना के एकदम मेरे खुद को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा कि कैसे वो रही होंगी और कैसे उनका व्यक्तित्व रहा होगा सो बहुत ज़्यादा आई एम अ बिग फैन यस आई थिंक इट्स अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म और हर आई थिंक एवरीबडी आइडेंटिफाइज विद दैट फिल्म आई होप इट डज वेरी वेल बिकॉज उस फिल्म ने इस इंडस्ट्री में बहुत ही चेंजेस लाए हैं अब आई होप वो चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस वहाँ भी आए हैं आनंद जी की फिल्म रिलीज हुई जीरो Yes, yes. So I think I wish them all the best with the release and naturally I am so busy with Manikarnika so mujhe time nahi mila but I will definitely catch it. Thank you. Nishika, start from here please. मैम यहाँ पे ये देखिए कुछ लोग नए आए हैं थोड़ा क्या कर सकते हैं सर आप भी दयालु हैं सर राइट सर आप वैसे फेवरेट हैं पूरी इंडस्ट्री के सर यहाँ पे सर रिश्ते निभाना था आपसे सीखे कोई थैंक यू सो मच मैरी क्रिसमस टू एवरीवन क्या हाँ है कार्ड हमको बाहर चल भाई आजा आजा चले हट जा भाई मेरी गाड़ी तो दिखाओ
आगे मत जा रे अंदर आइए अंदर आइए रोड अच्छी बात नहीं है अंदर ये अंदर आने दो दोनों ये मैं बोल मैं यहां पे सेंटर सामने सबसे पहले आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म आई रियली फील प्राउड एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दिस फिल्म ओके आपकी फिल्म में है कैसा एक्सपीरियंस के बारे में it was a fantastic experience but then it was very thrilling you know aisa lagta hai ki you have gone back to the time machine and then you have traveled that era of Rani Lakshmibai jiske bare mein hum bachpan se padhte aa rahe sunte aa rahe aisa and you know like historical film mein sab ab itne zyada apne kirdar mein hota hai aisa lagta hai ki you know you have just gone back to that era and it's very thrilling actually Okay, I play Kashibai. Kashibai was the emotional anchor for Rani Lakshmibai. She was a sister, she was a best friend, she was like that, you know. And Lakshmibai could trust her with her life. She was also a soldier in the army, yeah. नीता लूला जी के साथ हमेशा इट हैज़ बीन अ बेस्ट एक्सपीरियंस मेरी जो पहली फिल्म थी कांची उसमें भी नीता लूला जी ने कॉस्ट्यूम किया था तो मेरे साथ उनके संबंध बहुत सालों पुराने हैं जब से मैं बॉलीवुड में आई हूँ तब से है सो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल यू नो लाइक सींग द फर्स्ट डे वन आई वेंट टू द सेट्स एंड आई सॉ हर आई वॉज लाइक ओके सो इट्स सॉर्टेड इट्स लाइक दैट Merry Christmas to you. Thank you. Merry Christmas to all of you. Any demands from the center? Demand from the center. मतलब सांता से अच्छा सांता से डिमांड हमारी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए फिलहाल तो मैं यही डिमांड करूँगी ओके जब बात करें क्रिसमस की तो कितनी मेमोरीज जो है वो बचपन की ताज़ा हो जाती है क्रिसमस की बात करें मेरा तो बचपन अभी गया ही नहीं अभी भी आई कीप सॉक्स आई एक्सपेक्ट सम गिफ्ट टू बी देयर एंड कोई ना कोई सॉक्स फिल भी कर देते हैं इट्स बीन थ्री ईयर्स नाउ आई एम द ब्रांड फेस फॉर वीको या एनी मोर एंडोर्समेंट्स व्हिच यू हैव प्लान्ड आई हैव लॉट ऑफ एंडोर्समेंट्स डाउन साउथ यहाँ पे प्रोबेबली आई विल साइन फ्यू वेरी सून जीरो देखी है आपने अभी तक नहीं देखी एक्चुअली आई वाज शूटिंग आई वाजंट हियर एनी मूवी अपार्ट फ्रॉम योर्स व्हिच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फिलहाल तो मुझे सबसे पहले जाके जीरो देखना है एंड देन मोर और लेस जो भी मूवी रिलीज होती है मैं ऑलमोस्ट सब देखती हूँ इट्स लाइक दैट सिम्बा आई विल सी इट या वंस आई गेट टाइम काफ़ी सारी मूवीज लाइन में है कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं मणिकर्णिका के लिए हूँ दे कांट बी अनदर मूवी इस मौके पे किसी और मूवी के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते इट्स ओनली मणिकर्णिका थैंक यू थैंक यू सर यहाँ पे होल कितना
Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bilal. I think this is one of the finest Christmas we all are celebrating as a team Manikarnika, because we have already completed the film and it is into post-production right now, and we are ready to release the film next month, just 1 month from now, that is 30 days from now. And we already have released the trailer, and which is, you know, very, very successful. I think it's been accepted quite well all across, and we're very happy with the response, kind of response we're getting for the trailer as of now. It's extraordinary, about 95% positive response on the trailer. You know, it's more than 22 million views already and all that. So we're very happy with the performance of the trailer, and we're looking forward to release the film in 30 days. Okay, so it's a special Christmas bash today for Manikarnika. So what all things are you expecting inside? Like, how much fun are you going to? See, a lot of hard work for last 2 years, basically. We started the film last year, somewhere around April, you know. And so we now completed the film, so all you can see the people are enjoying inside, because it's all hard work is basically something which has been paid off. And it's basically happiness all around, and this is a special Christmas for us, as I said. Okay, thank you. Bye.